ये चीन में कोरोना के रोजाना के मामलों का ग्राफ है। चीन में जो आंकड़ा 11 फरवरी को महज 2000 था, वो अगले दिन यानी 12 फरवरी को बढ़कर 14,000 से भी ज्यादा हो जाता है। यानी सिर्फ एक दिन में ही चीन में कोरोना के 12,000 नए मामले सामने आ जाते हैं, वो भी तब जब इससे पहले ये मामले सिर्फ औसतन 2 से 3 हजार के बीच हर रोज गोते खा रहे थे। वहीं 12 फरवरी को 12,000 नए मामले बढ़ने के अगले ही दिन सिर्फ 5,000 नए मामले सामने आ गए, फिर उसके अगले दिन 2,500 नए मामले, फिर 2,000, फिर 1,500 होते होते 9 मार्च तक ये मामले शून्य के आंकड़े पर पहुंच जाते हैं। यानी 26 दिन में कोरोना के मामले 14,000 से सीधे जीरो पर पहुंच गए। तो अब सवाल ये कि आखिर 12 फरवरी को ऐसा क्या हुआ कि अचानक चीन में रोजाना के मामलों में 12,000 नए मामले रिकॉर्ड किए गए, वो भी सिर्फ एक दिन में, क्योंकि ऐसा सिर्फ अब तक चीन में ही हुआ है और दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ जब एक दिन में मामले इतने बढ़े हों। ऐसे मामलों में ग्राफ पहले धीरे धीरे ऊपर जाता है और फिर धीरे धीरे नीचे आता है, मगर चीन में अचानक एक ही दिन में ये ग्राफ ऊपर भी गया और नीचे भी आ गया, ये बात दुनिया को हजम नहीं हो रही। दरअसल हुआ ये कि 12 फरवरी के दिन हुबई में चीन ने कोरोना की टेस्टिंग के लिए सीटी स्कैन की टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे अचानक जल्दी नतीजे आने शुरू हो गए, मगर फिर अगले ही दिन चीन ने इस टेक्निक को बंद कर दिया। जानकारों का कहना है कि या तो चीन ने 12 फरवरी के बाद इस टेक्निक को ही हमेशा के लिए बंद कर दिया, या फिर डेटा निकालने की प्रक्रिया को ही रोक दिया। इस ग्राफ के मुताबिक 7 मार्च के बाद से तो नए मामले ही आने लगभग बंद हो चुके थे। कोरोना पीड़ितों की सच्चाई छिपाने के मामले में चीन पर लगा इल्जाम कितना गंभीर है, इसे इस बात से ही समझा जा सकता है कि चीन ने अपने देश में उस तकनीक का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया जिससे सबसे तेजी से कोरोना मरीजों का पता चल रहा था। ये एक तरह से खतरे को सामने देखकर भी आंख बंद कर लेने वाली बात थी, लेकिन चीन ने दुनिया की निगाहों में अपनी छवि दुरुस्त करने और अपना हित साधने के लिए ये खतरा भी मोल लिया। ये बातें चीन से बाहर की कोई एजेंसी नहीं बल्कि खुद चीन की मिलिट्री यूनिवर्सिटी बता रही है। हालांकि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ने ये नहीं बताया कि उसने ये डेटा कैसे कलेक्ट किया, मगर इस डेटा को इसलिए भरोसे के काबिल माना जा रहा है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की देखरेख चीन की मिलिट्री के हाथों में है। और आपको बता दें कि जब चीन में कोरोना का वायरस फैला था तब चीनी मिलिट्री ने इसके इंतजाम अपने हाथों में ले लिए थे। संक्रमितों को क्वारंटीन करना, उन्हें ट्रांसपोर्ट मुहैया कराना और लोगों का इलाज करना जैसे अहम काम सेना और उसके डॉक्टर ही कर रहे थे। यानी अगर इनके पास कोई डेटा है तो उसे प्रमाणित माना जा सकता है। अगर ये आंकड़े किसी विदेशी या निजी एजेंसी के होते तो उन्हें झुटलाया भी जा सकता है, लेकिन 5.5 लाख लोगों का सच छुपाने का पता किसी गैर ने नहीं बल्कि खुद चीन की मिलिट्री यूनिवर्सिटी ने ढूंढ निकाली है। ऐसे में यूनिवर्सिटी की इस नई फाइंडिंग के बाद जहां एक तरफ चीन परेशानी में है, वहीं दुनिया भर की निगाहें अब चीन पर टेढ़ी हो गई हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ने अपनी वेबसाइट पर इन आंकड़ों को जारी भी किया है। इस यूनिवर्सिटी के सूचना और जनसंचार विभाग के डायरेक्टर जांग हाइसू ने खुद इन आंकड़ों को तैयार किया है। चीन ने जांग हाइसू की कोशिशों की सराहना तो की है, मगर चीन अभी भी आधिकारिक तौर पर इन आंकड़ों को दुनिया के सामने मान्यता नहीं दे रहा है। और तो और, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी का ये डेटा भले ही उनकी वेबसाइट पर हो, मगर विदेशी लोग खासकर अमेरिका इसे देख नहीं सकता क्योंकि चीनी अथॉरिटी ने तमाम अमेरिकी आईपी एड्रेसेस को ब्लॉक कर रखा है। चीन के आंकड़ों में बाजीगरी का एक सबूत उस वक्त भी मिल चुका है जब चीन ने अप्रैल में अपने यहाँ कोरोना से ही मौत के आंकड़ों से छेड़छाड़ की। 17 अप्रैल को यहाँ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3342 से बढ़कर सीधे 4632 हो गया था। यानी सिर्फ एक दिन में ही मौत का आंकड़ा 1200 के करीब पार कर गया, जबकि तब से लेकर अभी तक इस आंकड़े में सिर्फ 2 और नई मौत के मामले ही जुड़े हैं।